हिंदू पूजा और त्योहारों के दौरान सजावट में आम के पत्तों का उपयोग क्यों किया जाता है? सभी दक्षिण भारतीय हिंदू पूजाओं और त्योहारों में ताजे आम के पत्तों का तोरण या उत्सव एक अनिवार्य हिस्सा है। इसका उपयोग कई क्षेत्रों में पूजा के दौरान और कलश बर्तन को सजाने के लिए भी किया जाता है। आम के पत्तों को एक धागे में बांधकर दरवाजे और खिड़कियों पर लटका दिया जाता है। आम के पत्ते को प्राथमिकता देने का मुख्य कारण यह है कि वे अन्य पत्तियों की तुलना में अधिक समय तक चलते हैं। ये मोटे और मजबूत भी होते हैं। ऐसा माना जाता है कि आम के पत्तों का लंबा जीवन इसे ऑक्सीजन उत्पन्न करने में मदद करता है और पत्ती की यह संपत्ति कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने और ताजा ऑक्सीजन डालने में मदद करती है। इसलिए एक लोकप्रिय धारणा है कि आम के पत्तों का उपयोग विशेष रूप से पूजा और त्योहारों के दौरान ऑक्सीजन उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, क्योंकि इन दिनों एक सीमित स्थान पर बड़ी भीड़ इकट्ठा होती है। पूजा के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले कलश बर्तन की गर्दन को ढकने के लिए भी आम के पत्तों का उपयोग किया जाता है। कलश पात्र के मुख पर आम के 5 पत्ते रखे जाते हैं। कुछ क्षेत्रों में यह 9 या 11 पत्ते हैं। यह व्यापक रूप से माना जाता है कि देवी लक्ष्मी, गोवर्धन पर्वत, गंधर्व और प्रजन देवता काम और रति निवास करते हैं। विवाह समारोहों में पत्ती उर्वरता का प्रतीक है। आम के पत्तों को लटकाने का मतलब यह घोषणा करना भी है कि घर में कोई शुभ समारोह हो रहा है। ऐसी भी मान्यता है कि आम के पत्ते सकारात्मक और दैवीय ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और यही कारण है कि इसका उपयोग पूजा क्षेत्र को सजाने के लिए किया जाता है। और अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।